पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफे के ऐलान पर किया पलटवार। कहा, आबकारी की गलत नीति मामले में ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रह पाएंगे केजरीवाल। यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से अब तक बागवानों ने 1,11,92,000 से अधिक पेटियां सेब मंडियों में भेजी। बागवानों ने कहा, यूनिवर्सल कार्टन से बागवानी के लिए महत्वपूर्ण पहल। शिमला के जुंगा में 4 दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। हॉकी प्रतियोगिता में छात्र छात्रा वर्ग में जुंगा रहा अव्वल। मंडी के उपमंडल गोहर के कल्ठा गांव के रविंद्र ने फूलों की खेती कर चुनी स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की राह। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना व एकीकृत बागवानी बनी सहायक। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककीरा में खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं और राज्य स्तर के लिए चयनित खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। स्कूल के साइंस ब्लॉक का किया लोकार्पण। कहा, विद्यार्थी जीवन अनुशासन और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण। राज्य सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग का किया पुनर्गठन। वस्तु एवं सेवा कर विंग व आबकारी विंग का किया निर्माण। मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई पहल। ठियोग के जुबड़ी बियॉन सांबर में रियाली मेले का हुआ समापन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। कहा, मेले प्राचीन संस्कृति के प्रतीक, इनका संरक्षण आवश्यक। विधानसभा में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने चंबा के बट नर्सिंग कॉलेज बाथरी में निशुल्क चिकित्सा शिविर का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश सरकार जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर वचनबद्ध।